क्या चल रहा होगा बता दे। देखो तुमने सोच रहा हो कि साला किसी भी तरह से क्या हो जाएगा कि किसी भी तरह से हम 11th पास कर जाएं, क्या हो जाएगा कि किसी भी तरह से हम 11th पास कर जाएं तो क्या हो जाएगा 12th को हम उखाड़ के रख देंगे। क्या आप सब वही सोच रहे होंगे? लेकिन ऐसा बात नहीं हो, उखाड़ना फेंकना किसी को नहीं है, तो नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हम इसका आज क्या करेंगे। जो केमिस्ट्री में मॉडल सेट जारी किया गया, क्योंकि क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत नज़दीक हो जाएगा, क्योंकि इसका डेट शीट भी जारी कर दिया गया है, तो एग्ज़ाम होगा तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ मॉडल सेट्स के सॉल्यूशंस को क्या करेंगे हम देख लेंगे। इसका तीन मॉडल सेट जारी किया गया, तीन मॉडल सेट में आज हम पहला मॉडल सेट को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ हम इसका सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे। और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम को यदि फॉलो करना चाहते हैं तो क्या यूजर आईडी दोनों का क्या है, सेम ही यानी वेलकम केमिस्ट्री के नाम से, तो आप सब वेलकम केमिस्ट्री हजारीबाग के नाम से आप सर्च करें, आपको मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर के क्या हो सकते हैं, एड हो सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि यदि आप क्लास 12th में जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हड़बड़ी में स्टार्ट नहीं करना क्या, चलो खैर हम वहाँ पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिसका जो मॉडल सेट 1 को जाल स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, मॉडल सेट 1 को यदि हम देखते हैं तो मॉडल सेट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वह क्या होता है कि द नंबर ऑफ मोल प्रजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज, जो पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है वह कितना दिया गया है, 2, सेकंड ऑप्शन में 0.5, थर्ड ऑप्शन में 5, लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में 1। क्या इस क्वेश्चन से आप परिचित हैं पहले से? यदि परिचित नहीं होंगे, और परिचित होंगे, क्योंकि परिचित तो फिलहाल हमें लगता है कि बहुत कम ही होंगे, क्योंकि जब 11th में सबसे पहले जाते हैं जितना भी सारा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आता है, डायरेक्ट यदि आप किसी भी अंग्रेजी में कन्वर्ट करते तो दिक्कत होता है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं होता, यदि आप पहले से न्यूमेरिकल्स बनाने में क्या है सुपर फास्ट है तो दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका यदि हम सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, इसका जो दिया गया है और कितना दिया गया है 6 ग्राम कार्बन, यानी जो इसका वेट दिया गया है W दिया गया है वो कितना दिया गया है 6 ग्राम, और कार्बन का क्या करते हैं मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, हाँ क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया गया 6 ग्राम दिया गया, गिवन मास कितना दिया गया 6 ग्राम, इसका जो कार्बन का मोलर मास हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, इसका जो मोलर मास होगा वह कितना होगा, यानी एम बराबर क्या हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गिवन मास कितना दिया गया था 6 ग्राम, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 12 ग्राम, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 0.5। यदि आप वहाँ से भी परिचित नहीं होंगे तो इसको काट दो 1, 2, इसको यदि हम क्या करते हैं भाग देते तो कितना बचाते हैं 0.5, यानी ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर सेकंड मिला। क्या समझ में आया, समझ में आया तो भी ठीक है, समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था। इसके आगे हम क्वेश्चन को चलते लेकर के, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और देखो यदि हम सेकंड क्वेश्चन में देखना चाहेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी क्या करना है कि इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी को देखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल सरफेस सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितना भी ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना ज़्यादा लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसका निकालना, सबसे पहला का निकालना, यानी फर्स्ट का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आई यू वन मतलब क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का हमें डिफिनेशन बता दिया। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें चेक करना है आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लगता कहाँ है, थोड़ा सा जान लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या लगता है। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है कि यदि किसी भी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, समझने में आसान होगा, मान लो कि यहां पर इस तरह का दिया गया है तो क्या है, ऑर्बिटल फुल फिल है कि हाफ फिल है, इसमें हाफ फिल कौन है, हाफ फिल है, और फुल फिल कौन है, फुल फिल है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में लगेगा, सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, फुल फिल में लगेगा, क्योंकि यह भरा हुआ है तो क्या करेगा कि अपने आप में कोई निकलना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा।
अपने आप में कोई निकलना नहीं चाहेगा। अब यदि इसमें देखेंगे हाफिल है, तो हाफिल में भी यहाँ पर निकलना नहीं चाहेगा, क्योंकि अपना जो है वह तीनों एक एक करके, तीनों घर में क्या एक एक है, यानी तीनों जो है क्या अस्टेबल है। अब यदि हम इसमें छाएंगे तो इसमें क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो हमें शो करा हुआ क्या कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स उठ करके क्या होंगे, यहाँ पर भी आ सकते होंगे। तो इसे में क्या करना है, इसे हमें निकालने में क्या होगा, सहूलियत कम होगा, क्योंकि ये सब जो होगा क्या होगा, अपने आप में खुद अस्टेबल है, खुद अस्टेबल है तो क्या निकलना चाहेगा, नहीं निकलना चाहेगा। यदि हम ज़बरदस्ती निकालेंगे तो क्या होगा कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगेगा, इसमें सबसे ज़्यादा लगेगा, सबसे ज़्यादा लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि यह भरा हुआ नहीं है, पूरा खाली का खाली है एक, और बैटल्स खाली है नहीं। तो इसमें यदि हम देखना चाहेंगे तो देखो, यदि हम सबसे पहले नाइट्रोजन का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का एटोमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 2 5 4 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, p में यदि हम देखेंगे तो p में क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा, भरा हुआ है, अपने आप में क्या है, थोड़ा बहुत अस्टेबल है, अपने आप में क्या स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलना नहीं चाहेगा। यदि हम दूसरा देखेंगे कार्बन का, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह का हो गया। यानी p यदि हम ऑर्बिटर में देखेंगे तो 1 2 हो गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं क्या, यानी लो अमाउंट ऑफ क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी दे करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि हम ऑक्सीजन में देखना चाहेंगे तो ऑक्सीजन में भी क्या लगेगा, वही फंडा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में भी क्या होगा, खाली रहेगा, क्योंकि लास्ट इसका इलेक्ट्रॉन जो बचता है, समझना, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 6 6 2 8 यानी 4 हो जाएगा, 2p 4 हो जाएगा, 2p 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी इसको हम भर सकते हैं, एक यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, भरा जाएगा, भरा जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर भी खाली हो गया, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। सोडियम में भी क्या करेंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आसानी से हम किस में नहीं निकाल सकते, किसका था, ऑप्शन नंबर 1 का, क्योंकि नाइट्रोजन का अपने आप में क्या, तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों आपस में एक एक घर में है, तो इसको हमें क्या करना, निकालना मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यदि हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो क्या दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स ऑफ मस्ट, यानी इनमें से वेट जो होगा वह सबसे ज़्यादा किसका होगा, मस्ट मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम इसको समझेंगे, सबसे अच्छा किसका। पहला दिया गया कि 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड में दिया गया कि 1 मोल ऑफ वाटर, थर्ड में दिया गया 1 मोल ऑफ सोडियम यानी एन ए, और लास्ट एंड फोर्थ में दिया गया 1 मोलिकुल्स ऑफ H2SO4। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना कि यदि 1 ग्राम क्या हो, कि यदि 1 ग्राम या फिर 1 मोलिकुल या फिर 1 ग्राम का यदि बात हो, तो हम किसको समझ लेते, सीधा 6.022 × 10³ को समझ लेते हैं। यानी यदि 1 ग्राम या फिर 1 मॉलिक्यूल के बारे में बताया जाएगा तो हम उसको क्या समझ लेंगे, सीधा 6.022 × 10³ हम क्या करेंगे, उसको समझ लेंगे, उसको समझ लेंगे। तो आगे फिर समझते हैं क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है कि दिया गया 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ क्या दिया गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो मास होता है वह कितना होता है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है नहीं होता है। और इसमें फिर क्या बताया गया कि इसमें 1 ग्राम के बारे में बताया गया, यानी 1 ग्राम मतलब क्या समझ लेंगे हम, 6.022 × 10³। नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 6.022 × 10³। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, यानी 14 को क्या करेंगे, 6.022 × 10³ से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। यदि हम इसमें दूसरा देखना चाहेंगे, हम इसका जो आगे होगा हम उसको भी लिखेंगे, और यदि आगे उस तरह लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात रहेगी कि 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ वाटर क्या दिया गया, 1 मोल ऑफ वाटर दिया गया, तो यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल यानी वाटर का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, वाटर का वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 होगा या नहीं होगा। और इसका जो क्या दिया गया, 1 मोल यानी जो मोल इसका दिया गया, नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया, 1 दिया गया, नंबर ऑफ मोल 1 दिया गया। और इसका जो मोलर मास दिया गया है, वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यदि हम इसका देखना चाहेंगे तो नंबर ऑफ मोल
मोल बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाय एम। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल दिया गया है, डब्ल्यू बाय क्या दिया गया है एम, 18 यानी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 18। फिर यदि हम इसका देखना चाहेंगे सोडियम का, तो 1 मोल ऑफ सोडियम यानी क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 23, यानी 1 मोल दिया गया है, वेट इसका दिया गया नहीं है, मोलर मास कितना दिया गया है इसका 23। यदि इसमें लास्ट में देखते हैं तो 1 मॉलिक्यूल का देखते हैं, 1 मॉलिक्यूल यदि हम इसका मोलर मास निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, सल्फर का 16 यानी 32, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 98। यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, सीधा 98 को हम क्या करेंगे 10^23 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। अब समझो कि इतना बड़ा डिजिट से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ बचेगा, बहुत कम ही मात्रा में बचेगा। इसको यदि हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ बचेगा, ना कहीं बराबर बचेगा। अब बात कर लेते हैं इसका 18 और 23 में, 18 और 23 में बड़ा कौन है 23 है, तो 23 इसका कौन सा था सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, क्या दिया गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन कितना परसेंट दिया गया 38.71% एंड हाइड्रोजन दिया गया वह कितना दिया गया 9.67%। पूछा कि द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला पूछा गया। अब समझते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। देखो किसी भी कंपाउंड का एक होता है मोलिकुलर फार्मूला, दूसरा क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला में क्या होता है कि मोलिकुलर फार्मूला में जितना कार्बन जितना हाइड्रोजन जितना ऑक्सीजन रहेगा उसको हम क्या करते हैं शो करते हैं, उसमें दिखा देते कि मोलिकुलर फार्मूला में कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है। और इंपेरिकल फार्मूला में क्या होता है कि उसी कंपाउंड से उसको क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, यानी कॉमन लास्ट जितना निकलता है उससे जो फार्मूला बनता है उसको हम क्या बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला, क्या बोलते हैं उसको इंपेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि पहला क्या दिया गया है इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, बहुत आसान है, कार्बन है, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन। कार्बन का जो परसेंट दिया गया वह कितना है 38.71, हाइड्रोजन का कितना दिया गया 9.67। अब ऑक्सीजन का हमें कैसे पता करना है, मान लो भारत और पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान जीत गया, कौन हारा। इसी तरह यहाँ पर क्या फंड है कि जब हमें ऑक्सीजन का पता करना है तो ऑक्सीजन को पता करने के लिए क्या करते हैं दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद क्या करते हैं 100 में हम माइनस करते हैं, यानी परसेंट मतलब क्या होता है 100। दोनों को ऐड करके हम यदि हम इसमें कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले ऐड करो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा ऐड करो जल्दी 9, 8 कितना 17, 1, 18, 48.31। अब यदि हम क्या करते हैं 100 में इसको माइनस कर देते हैं, 100 में हम क्या कर सकते हैं इसको माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आने बताओ जल्दी। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, देखो एक यहाँ पर समझो माइनस करने का एक ट्रिक समझो थोड़ा, यदि पॉइंट दिया गया तो पॉइंट को कैसे माइनस करोगे, सबसे पहले इसको इस तरह लिख लेना, अब यहाँ पर क्या है 48, अब इसको क्या हो जाएगा थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 9 में 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना बचाओ 9 में 8 कितना जाएगा 1, और बताओ जल्दी कितना बचा 9 बचा था, 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी कितना जाएगा 51.62% हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसमें हमें क्या करना है इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे इसका जो मोलर मास होगा कार्बन का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का उससे हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। कार्बन का मोलर मास कितना था 12, इसका 1 ही हो जाएगा, इसका कितना होता है 16। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा एप्रोमैक्स कितना हो जाएगा 3.22 हो जाएगा, या कितना रह जाएगा 9.67, अरे हजो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 3.22 एप्रोमैक्स। यदि हम बात कर लेते तो कितना हो जाएगा 12 3 जाएगा कितना हो जाएगा 36 होगा, 36 में यहाँ कितना बचा 2 बचा पॉइंट उधर जाएगा कितना आ गया 7 आ गया, यानी 27 हो गया, 27 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 2 जाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, आने दो बार में ही जाएगा।
कितना बच गया, यानी 3.22, 9.67, 3.22 आ गया। अब यदि हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो अब क्या है कि इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, यानी तीनों में सबसे छोटा कौन है, ए और ए क्या है, सबसे छोटा है, तो उसी से हम क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इंपेरिकल फार्मूला निकालने का सबसे साधारण फार्मूला है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, या एप्रोमैक्स कितना बार में जाएगा, 2 3 जाए कितना हो जाएगा, 6, 1 बचेगा, नेगलेक्ट कर देते हैं उसको, 2 3 जाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 जाए कितना हो जाएगा, 9, यानी कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 1 बार में। अब यदि हम इसका फार्मूला देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कार्बन कितना था, 1 था, हाइड्रोजन कितना था, 3, ऑक्सीजन कितना था, 1। कौन सा फार्मूला आ गया, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आया, समझ में आया होगा तो भी सही है, समझ में नहीं आया होगा तो भी सही है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो नहीं भी समझ में आया होगा तो उससे कोई बड़ा बात है नहीं, आप समझ में आएगा 12th में। चलो यदि हम इसमें अगला क्वेश्चन में देखना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पढ़ के देखो, पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट सम सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एज आर इन 6 ग्राम, यानी 6.0 ग्राम। यहाँ पर आपको क्या देना, चंदियाने के लिए क्या दे दिया है, 6.0 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी सी 12 में, यानी पूछा गया कि कार्बन 12 में 6 ग्राम कार्बन 12 में जो क्या होंगे एटम्स पाए जाएंगे और लगभग कौन सा ग्राम में पाए जाएंगे, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन में पाए जाएंगे उसी के जैसा इक्वल, तो उसी के जैसा इक्वल हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल यदि कैलकुलेट करके मान लेते कि 4 आएगा या 5 आएगा तो फिर इसी काम हिसाब से नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे, जो इसे मैच करेगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इसका जो ग्राम दिया गया है, वेट कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 6/12 यानी 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा, 5 हो गया नहीं होगा। अब हम इसमें चेक करते हैं, पहला ऑप्शन में यदि हम 6 ग्राम इथेन को लेते हैं, यहाँ पर क्या था, 6 ग्राम ऑफ कार्बन था, 6 ग्राम ऑफ यदि ऑफ मीथेन को लेते हैं तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है, तो सबसे पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, मोलर मास को देख लेते हैं, मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 × 2 + 1 × 6 कितना जाएगा, जो भी होगा यदि हम इसका निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 को यदि हम इतना डिजिट से यानी 12 रहता तो क्या मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबा डिजिट हो जाएगा, कभी भागों में आएगा 0.5 बिल्कुल नहीं आएगा। यदि हम इसको नेक्स्ट को चेक करते हैं, कितना नेक्स्ट को यदि हम चेक करते हैं तो क्या दिया गया, 8 ग्राम दिया गया, इसका क्या दिया गया, मिथेन, यानी सी क्या हो जाएगा, CH4 यानी 12 + कितना हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि हम इसको 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 से जाएगा, 1/2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5। क्या आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही होगा, सेकंड, क्योंकि हमको मैच करना था इससे, यानी इसका जो मैच किससे करना था, 0.5 यानी 6 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइटम से, कौन सा वो मैच, ऑप्शन नंबर 3। सेकंड, यदि इसको भी आप मैच कर सकते हो, क्योंकि मैच में आंसर आने वाला है नहीं, कल हम ज़्यादा दिमाग ख़राब करेंगे इसमें, क्या आप इसमें यदि आप विश्वास नहीं होगा तो आप इसमें खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो यदि हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, पूछा कि व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl, यानी HCl में 18.25 ग्राम क्या एक सॉल्यूशन पाया गया जो है कितना इन पानी में कितना है 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम 500 ग्राम है वाटर के, क्या होगा कि वाटर के 500 ग्राम में HCl कितना घोला हुआ है 18.25 ग्राम, कैलकुलेट क्या करना है मोलालिटी, कैलकुलेट क्या करना है मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या फिर प्रेजेंट इन क्या हो जाएगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, होगा या नहीं होगा कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे सॉल्यूट घुले होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे मोलालिटी। फिर से हम पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो फॉर्मूला यदि हम उसका देखना चाहेंगे किसका,
मोलालिटी का, तो क्या हो जाता है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी बाय क्या हो जाएगा एम बी, यानी वेट ऑफ क्या हो जाएगा सोल्यूट बाय क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। हाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम इसमें आप आगे देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वह कितना हो जाएगा HCl का, बताओ जल्दी 18 × 25 ग्राम। इसका जो मोलर मास हो जाएगा वह मोलर मास कितना हो जाएगा HCl का, HCl का देखो मोलर मास, HCl का मोलर मास कितना जाएगा 1 + 35.5 कितना जाएगा 36.5 into 1000 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 500 ग्राम।